शिवपुरी जिले के नरवड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम चक्रामपुर में बीते दिनों हुए भदौरिया परिवार और कुशवाहा समाज के लोगों में खूनी संघर्ष के मामले में आज कुशवाहा समाज के साथ सर्व समाज ने एसटी ऑफिस पहुंचकर एसटी को ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुशवाहा समाज के साथ प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है। कुशवाहा समाज के कुछ लोगों पर झूठा प्रकरण दर्ज भी कराया जा रहा है। वहीं गांव में रह रहे कुशवाहा समाज के लोगों को अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में सर्व समाज ने एसपी से जांच कर उचित कार्यवाही की गुहार लगाई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जिस तरीके से लोग नाम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें, वो हमें लगता है कि वो एक तरफा तरीके से नाम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि मतलब जो है, पहले उसमें 17 लोगों के नाम थे, उनको सब लोगों ने हाजिर करा दिया, वो जेल चले गए। ठीक है, अब उसमें मालूम पड़ा कि 14 लोगों के नाम और हो गए हैं। अब उसके बाद कितने लोगों के नाम बढ़ेंगे पता नहीं। एक तो ये इसमें हो रहा है, पटाक्षेप हो गया। नहीं, पटाक्षेप हो गया, लेकिन नाम बढ़ेगा नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि 14 लोगों के नाम में भी साहब ऐसे नाम है उसमें, जिसमें एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग हैं। आप वो नाम दे रहे हो ना, जो बाहर रहते हैं। आप बताए थे आपने 80 और 75 साल का आदमी, 65 साल का तीन नहीं बना दिया उसमें, कौन कौन जो है। और दूसरी बात ये था, जो अपने को पुलिस को थाने में सूचना दे रहा है, वो उसने उसका भी नाम दे दिया है थाने में। पूरा गाँव तो नहीं आएगा ना भाई, परिवार के जो लोग होंगे 2-4-5 वो आ सकते हैं, 10-12 लोग हो सकते हैं। पूरा गांव को अपन लोग 28-30-35 लोगों को नाम ले रहे हैं। तीसरी बात उसमें ये है कि ये पूरा गांव जेल में होगा, वो अभी से लेके अभी उन्होंने शुरू कर दिया तांडव। रोज कोई ना कोई वो बहाना बना के, फिर कोई उदमबाजी, कोई कार्रवाई हो रही है वहाँ पे। रोज वहाँ पे जो है गाँव में लूट डकैती चोरियाँ हो रही है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही। अगर ये 6 महीने पहले जब उन्होंने हमला किया था और उस पर अगर कार्रवाई हुई हुई होती, तो ये 26-27 में तो दोबारा ये घटना नहीं हुई होती, हमारा ही कहना। तो ये तीन बातें हैं जिनको हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ये संज्ञान में आना चाहिए। और इस आधार पे ये 14 लोग जो अभी जिनके नाम है, 14 हैं, कितने हमारे संज्ञान में 14 हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होंगे, 14 हैं, उनके साथ जो है जांच के आदेश दिए जाएँ, क्योंकि बहुत सारे नाम इसमें ऐसे हैं जो गलत हैं। तो अगर निष्पक्ष अगर जाँच हो जाएगी तो वो हो जाए, और तब तक जब तक जाँच हो रही है साहब, तब तक उनकी गिरफ्तारी रोकी जाए, ताकि ये अपने गाँव में रह सकें निष्पक्ष रूप से। और गांव में साहब गार्ड वार्ड भी लगवा दो, ताकि गार्ड लगी है, गार्ड लगी है, गार्ड लगी है, कुछ नहीं हो तो कोई कौन फोड़ा दो मचा रहा है। 20-20 साल की लगे, 20 साल की लगे वहाँ फोर्स, किसने कहाँ दम किया बताओ, किसने कहाँ के बाप, कौन गाँव के हो, हवा में मत बात कर दिया, 20-20 साल की लगे वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।